को तो शांति मुक्ति और आनंद चाहिए, उसको पा लेना जरूरी है। आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र गोकर्ण उनको उपदेश देता है। आत्मदेव ब्राह्मण की मोह की निद्रा भंग होती है और वो एकांत अरण्य में अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए रवाना हो जाता है। गोकर्ण भी यात्रा करने को निकल पड़ता है। धुंधुकारी और उसकी माँ धुंधुली घर में रहती। धुंधुकारी जवान हुआ और लुफंगों की दोस्ती हुई, कुत्ते साथ में रखे और चंडाल जैसा जीवन जीने लग गया। ऐसा करते करते वो इतना तो क्रूर स्वभाव का हो गया कि जलती हुई लकड़ी लेकर उस माँ के पीछे पड़ा जो गोद में लेकर, धुंधुकाली मैं धुंधुरी तो मेरा बेटा धुंधुकाली, ले तेरा बेटा धुंधुकाली, जलती हुई लकड़ी लेकर पीछे पड़ा के बाकी का धन कटे राख्यो बता दे। माँ ने देखा कि ऐसा बेटा दुखी कर रहा है, दुष्टों के साथ इसकी दोस्ती मानता नहीं, कईयों के छोरे पकड़ के कुएं में डाल देता तो पाप को भी परेशान करके भगा दिया। अब मैं तो स्त्री जाति कहां जाऊं जंगल में, वो रात के समय बिचारी कुएं में कूद के मर गई। अब तो और स्वच्छंदी हो गया, स्वच्छंदी भड़का, जवानी हो सत्संग नहीं हो और दुष्टों की दोस्ती हो तो पतन होने में देर क्या लगती। दुष्टों का संग करते करते उल्टा स्त्रियों के चक्कर में आया और बाजारू स्त्रियों को घर में ले आया। चार पांच बाजारू स्त्रियों को घर में ले आया और बाजारू स्त्रियों ने तो उसका सर्वनाश कर दिया। अभी और चाहिए गहने ला दे, हीरे ला दे, जवाहरात ला दे, हूं ऐसे गहने ला दे। उसको चोरी डकैती करने के लिए विवश होना पड़ा। एक दिन वो राजा के महल से कुछ जवाहरात चुरा कर लाया। उन उल्टा स्त्रियों ने सोचा कि ये जवाहरात राजा के महल की, अगर जांच पड़ताल करते करते सीआईडी डिपार्टमेंट यहां पहुंच गया और हम पकड़े गए तो हमारी और इसकी बुरी हालत होगी, इससे तो क्या करें कि इसको सोया सोया हम मिलकर रात को मार के और यहीं गाड़ के चले जाएं और फिर दूसरी जगह निकल जाएं तो यही सुरक्षा का मार्ग उचित होगा। उन उल्टा स्त्रियों ने निर्णय किया धुंधुकारी को सोते समय रात को उसके हाथ पैर खाट से बांध दिए, उसके गले में कपड़ा डालकर दो महिलाएं दोनों तरफ से खींचकर उसको फांसा देकर टुका देकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जरा बलवान था, जल्दी से मर नहीं रहा था। तो फिर जला हुआ अंगारा उसके मुंह में डालकर, नाक और मुंह दबाकर दबोचकर उसको मार दिया। और पहले के जमाने में सीमेंट कंक्रीट नहीं होता था, लिपण होता था। उन उल्टा स्त्रियों ने खड्डा खोदकर वहीं उसका लाश गाड़ दिया रातों रात और वो रवाना हो गई। समय पाकर वो तो प्रेत होकर भटकने लगा उसी जगह पर। समय पाकर गोकर्ण घूमता घामता यात्रा करता हुआ आया, रात्रि को अपने घर में प्रवेश हुआ। आंख लगी न लगी एक बड़ी डरावनी छाया सामने खड़ी। कभी तो अग्नि का रूप हो जाए, तो कभी भेड़िये का रूप हो जाए, तो कभी इंद्र का रूप हो जाए। गोकर्ण समझ गया कि ये कोई दुखद प्रेत आत्मा है। बोल तू कौन है, ऐसा क्यों रूप दिखाता है? अरे तू बोल, तेरा नाम क्या है, तू कौन है, प्रेत है तो कौन प्रेत है? लेकिन वो प्रेत कुछ बोल नहीं पा रहा था, इतना घोर पापी और पातकी था कि उसकी वाणी खोलने की क्षमता नहीं थी। गोकर्ण ने अपने हाथ में अंजलि में जल लेकर मंत्र पढ़कर उस छाया पुरुष को छांटा, तब कहीं उसकी योग्यताएं खुली और उसने कहा कि मैं तेरा वो पातकी पापी भाई, ब्राह्मण के घर जन्म होते हुए भी मैंने ब्राह्मण उचित कर्म नहीं किए, मैंने तो शूद्र से भी बदतर चंडाल जैसे कर्म किए, मैंने तो तुच्छ कर्म किए और भाई माँ को भी मैंने सताया, औरों को भी सताया, कर्म का फल अभी भोग रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरी मुक्ति का मेरी सदगति का कोई उपाय कीजिए। गोकर्ण कहता है कि भैया मैंने तीर्थ यात्रियों के मुंह से सुना था कि तुम्हारा भाई मर गया है, मैंने गया जी में तेरे नाम का श्राद्ध किया था, तीर्थों में तेरे नाम का मैंने तर्पण किया है, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? बोले एक गया जी नहीं 100 गया जी में श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मैं कट्टर पापी हूँ, घोर पापी हूँ।
ऐसा करके वो विलाप करने लगा। गोकर्ण ने कहा तो तेरी मुक्ति का उपाय? बोले मुझे पता नहीं, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी शरण हूँ, मेरी सदगति के लिए कुछ करिए। गोकर्ण ने कहा अच्छा तुम जाओ, अभी जहाँ से आए वहीं विश्राम करो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए सोचूंगा। सोचते सोचते रात में से सुबह हुआ, गोकर्ण को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाया और तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मणों ने अपने तप तेज बल से भगवान सूर्य नारायण का आवाहन किया। जो इन आंखों से सूर्य देखता है वो सूर्य नारायण का आदि भौतिक स्वरूप है। और जो पुराणों में बात आती है कि सूर्य नारायण ने बात की, सूर्य नारायण ने वरदान दिया, ये सूर्य नारायण का आदि दैविक स्वरूप है। जैसे गंगा किनारे आप जाओगे तो गंगा पानी के रूप में पानी बहता है गंगा जी का, लेकिन जब भीष्म के साथ बात करती है तो वो पानी के रूप में नहीं, वो तो आदि दैविक स्वरूप धारण करके आती है माता गंगा जी। ऐसे इन देवताओं को आदि भौतिक स्वरूप भी धारण करना संभव है और आदि दैविक स्वरूप से भी वो बातचीत कर सकते हैं। जैसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य इनका कोई रूप नहीं होता है, लेकिन नारद जी जैसे संत के आगे ये साकार रूप में भी दिख सकते हैं। महाराज भगवान सूर्य नारायण का तपस्वी ब्राह्मणों ने आह्वान किया, हमें तो सूझता नहीं कि ऐसे घोर पातकी का उद्धार कैसे होगा, प्रभु आप ही बताइए। तब भगवान भास्कर ने कहा कि भगवत कथा भागवत कथा, भगवताकार वृत्ति उत्पन्न होने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ एक बात दर्शन शास्त्र की आप सुनिए, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है? दुख और सुख वृत्ति में होता है, वृत्ति में। अनुकूलता वृत्ति में आती है तो सुख होता है, प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है तो हर समय रोकर नहीं उठता है, कभी कभार चोट लगने पर भी हंस कर उठता है, ए कीड़ी मर गई, ए मकड़ा मार दिया, अरे वाह शाबाश। तो उसको चोट लगने पर भी दुखाकार वृत्ति माँ ने उत्पन्न नहीं होने दी तो वो दुखी नहीं होता है। और कभी कभी शयन खंड में चैन से सुखी सोया है लेकिन किसी कारण से उसे मन में दुखाकार वृत्ति पैदा होती है तो वो दुखी होता है। तो बाहर के साधन बनाकर दुख मिटाना ये भौतिकवाद है, लेकिन दुखाकार वृत्ति को भगवताकार वृत्ति करना ये आध्यात्मिकता है। और